उत्तर प्रदेश के बांदा में घर के बाहर खेल रही दो मासूम बच्चियों को हैवानियत की नज़र से पूर्व फौजी ने बहलाकर बुलाया अपने सूने घर। कुत्ते को खिलाने के बहाने मासूमों को घर में किया बंद। बड़ी बच्ची के कपड़े उतार दुष्कर्म करने का प्रयास किया। कुत्ते के काटने से छोटी बहन के रोने और चिल्लाने से घबराए पूर्व फौजी ने दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। मासूमों ने परिजनों को बताया अपनी आपबीती। परिजन मासूमों को लेकर पहुंचे पुलिस के पास। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। घटना के बाद से पूर्व फौजी घर में ताला डाल फरार हो गया। पुलिस आरोपी फौजी की तलाश में जुट गई है। मामला बांदा कोतवाली क्षेत्र के एक इलाके का बताया जा रहा है। ये हमारे पड़ोसी हैं जयराम सिंह, तो दो बच्चे खेल रहे थे, उसके पास एक छोटा सा कुत्ता है और अंदर मछलियाँ भी हैं। तो कुत्ते को छोटे छोटे बच्चे अपन खेल रहे, तो कुत्ता को देने पहुँचे हो तो उसने हाथ पकड़ करके अंदर कर लिया। मुझे देखना अंदर मछली भी है, उनको भी देख लिया। तो एक जो छोटी बच्ची थी 5 साल की, तो उसको मछली को दाना देना और कुत्ते को दूध वगैरह पिलाने के लिए बोल दिया। और जो 7 साल की बच्ची थी तो उसको पलंग में लिटा दिया बेड में, और उससे कपड़े उतारने के लिए बोल रहा था। तो उसी समय कुत्ते ने काट लिया उसको, जो छोटी बच्ची थी 5 साल की। तो चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, वो भी रोने लग गई। दोनों का जब आवाज़ सुन करके वो घबराहट से उसने फिर दोनों बच्चियों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप चौकी गए? हाँ, चौकी गए, कोतवाली गए, एप्लीकेशन दिया है। क्या पुलिस आई अभी तक? हाँ, पुलिस रात में आई थी, वो उसका घर वगैरह देख गई है। अच्छा, फौजी का बताते हैं कि दबंग? हाँ, दबंग भी है, और वो उस प्रकार का आदमी है कि वो एकदम प्रूफ टाइप का है। जब वो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भी नहीं रखता, वो घर पे नहीं रखता। नहीं रखता। तो क्या घर में अकेले रहता है? अकेले रहता है।